छुपा होगा वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था, देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ आजमगढ़ बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन यहां पर माफिया दीमक की तरह यहां को चाटते रहे, इसको खोखला करते रहे, यहां के इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने में, हवेलियों को बनाने में लगाया, विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर डालते थे, गरीब के लिए आने वाले पैसे को चक्कर डालते थे और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है आज उसी पाप की भरपाई उनसे और उनकी खानदान से सरकार करवा रही है।